हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय जानकी स्टडी सेंटर। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए मात्र 5 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके लिए हम आपको 2 मेथड बताएंगे, एक शॉर्ट मेथड, एक लॉन्ग मेथड। आप दोनों मेथड से आसानी से इस टाइप के सवाल को आंसर दे सकते हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 गाय कह रहा है, पांच गाय पांच दिन में 100 वर्ग मीटर। देखिए, 5 गाय 5 दिन में 100 वर्ग मीटर घास चरती है, तो कह रहा 10 गाय 10 दिन में कितना चरेगा। तो 5 गाय 5 दिन में 100 वर्ग मीटर या निकालेंगे 5 गाय 1 दिन में कितना चरेगा। तो देखिए, यहाँ पर 5 दिन में जब 100 वर्ग मीटर है तो 1 दिन में कितना होगा, तो 100 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। इसको काटेंगे हम तो 20 बार में कट जाएगा, कितना जाएगा, 20 वर्ग मीटर। तो देखिए, 5 गाय 1 दिन में 20 वर्ग मीटर घास चरेगी, तो यहाँ पर निकालेंगे 1 गाय 1 दिन में। तो देखिए, यहाँ पर 5 गाय जब 20 वर्ग मीटर घास चर रहा है तो 1 गाय कितना चरेगा, तो फिर क्या करेंगे, 20 में हम 5 से भाग कर देंगे तो जाएगा 4 वर्ग मीटर। देखिए, यहाँ पर 1 दिन में 20 वर्ग मीटर घास चर रहा था 5 गाय, तो यहाँ पर 5 गाय जब 20 वर्ग मीटर चर रहा है तो 1 गाय कितना चरेगा, 4 वर्ग मीटर। यहाँ पर वो क्वेश्चन है, 10 गाय 10 दिन में कितने वर्ग मीटर घास चरेगी। तो देखिए, जब 1 गाय 4 वर्ग मीटर चर रहा है तो 10 गाय कितना चरेगा, तो 1 गाय 4 वर्ग मीटर तो 10 गाय 1 दिन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 में 10 से गुना कर लेंगे तो यह कितना जाएगा, 40 वर्ग मीटर। तो देखिए, 10 गाय 1 दिन में 40 वर्ग मीटर घास चरती है, तो यहाँ पर निकालना है कितना दिन में है, 10 दिन में कितना चरेगा वह निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गाय 10 दिन में। तो देखिए, 10 गाय 1 दिन में कितना चरा, 40, तो 10 दिन में कितना चरेगा, तो 40 में हम 10 से गुना कर देंगे, कितना जाएगा, 400 वर्ग मीटर। तो देखिए, यहाँ पर जब 1 दिन में 40 वर्ग मीटर चल रहा है तो 10 दिन में कितना चलेगा, 400 वर्ग मीटर। या तो आपका लॉन्ग मेथड से हम बना दिए, इसके बाद हम आपको ट्रिक से बताएंगे। देखिए, अब हम इसको ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए, सवाल मेरा सेव है, इसका ट्रिक क्या है, सब कुछ ऊपर में काम होगा नीचे में, यह फर्स्ट मेथड, फिर बराबर सेकेंड मेथड में है, सब कुछ ऊपर में काम नीचे में होगा। तो यहाँ पर देखिए, सब कुछ को ऊपर में लिखना है, बटा में काम लिखना है, यहाँ भी सब कुछ को ऊपर में बटा में काम लिखना है। तो सब कुछ देखिए, यहाँ पर 5 गाय 5 दिन में 100 वर्ग मीटर घास चरती है, तो 5 को हम ऊपर में लिखेंगे, 5 × 5, ये सबको गुना में लिखेंगे। अब बटा में क्या है, काम, तो यहाँ पर देखिए 5 गाय 5 दिन में काम क्या हो रहा है, घास चरने का, तो कितना वर्ग मीटर घास चर रहा है, 100 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर 100 को हम नीचे में लिखेंगे, फिर बराबर करेंगे। अब सेकेंड मेथड में मेरा क्या दे रहा है, 10 गाय 10 दिन में कितने वर्ग मीटर घास चरेगी। तो यहाँ पर देखिए, 10 गाय दे रहा है 10 गाय 10 दिन में, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर काम नहीं मालूम है कि 10 गाय 10 दिन में कितने वर्ग मीटर घास चरेगी। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, घास चरने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना वर्ग मीटर घास चर रहा है वह आपको नहीं दिया है। तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, इसके जगह पर एक्स मान लेंगे। अब इसको हम काटेंगे, देखिए इसको गुना पहले कर लेते हैं, 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 बटा में हो जाएगा 100, फिर यहाँ 10 दहाई कितना हो जाएगा, 100 बटा में हो जाएगा एक्स। अब इसको हम क्रॉस गुना कर सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो 25 × x कितना होगा, 25x, यह हो जाएगा आपका 25x, बराबर में कितना होगा, 100 × 100 हो जाएगा।
अब देखिए यह 25 से 25 चौका 100, चार बार में कट जाएगा, यहाँ बच क्या गया, x बच गया, और 100 गुने 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 400। तो x का मान कितना आ गया 400, यानी 400 वर्ग मीटर घास चरेगा कितना दिन में, 10 गाय 10 दिन में। तो दोनों तरीका से मेरा आंसर सेम आया। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जैसे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिले।